92-93 in the year 92-93 कितने साल हो गए? 27 साल आपके हिसाब से हुए। नर्सरी से लेके क्लास 11 तक मैंने कोई कोचिंग नहीं की अपनी लाइफ में। 12th में पहली बार मैं जब स्कूल गया अप्रैल में, तो 60 बच्चों की क्लास में पहले दिन केवल 3 बच्चे आए, 57 एब्सेंट थे। दूसरे दिन स्कूल गया फिर 3 आए, और तीसरे दिन भी 3 आए। चौथे दिन एकदम से 56 आए, तो मैंने चौथे दिन उनसे पूछा, मैंने कहा तुम पिछले 3 दिन से कहां थे? तो बोले हम तो ट्यूशन जाते हैं। मैंने ट्यूशन क्या होता है? बोले इससे इंजीनियर बनते हैं। दूसरे से पूछा तो बोला मैं ट्यूशन गया था, उससे डॉक्टर बनते हैं। मैंने अच्छा, तो मैं घर पहुंचा अपने छुट्टी के बाद, मैंने अपने पिताजी को शाम को बोला, वो ऑफिस से आए, मैंने कहा मैं इंजीनियर बनूं, पिताजी बोले बन जाओ। मैंने उसके लिए ट्यूशन जाना पड़ता है, बोले जाओ। मैंने ठीक है, तो मैं अगले दिन सुबह 5:30 बजे अपने दोस्त के घर पहुंच गया, और हम दोनों स्कूटर पे फिजिक्स वाले सर के घर पे पहुंच गए। 6 बजे से क्लास शुरू होती थी, एक बैच में 30 बच्चे होते थे, ठीक है। फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया, बहुत बढ़िया समझ में आया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैट शुरू किया था क्लास 12 का चैप्टर। 6 बजे से लेकर 7:50 तक पढ़ाया, 7:50 से फिर लगभग 25 मिनट का ब्रेक था, और उसके बाद उनके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे केमिस्ट्री वाले सर का घर था, तो वहां से पढ़ के मैंने अपने दोस्त से पूछा अब क्या करेंगे, तो बोला केमिस्ट्री वाले सर के घर पे चलेंगे। ठीक है, चल पड़े। रास्ते में एक दुकान पे सब सारे फ्रेंड्स रुकते थे, चाय और समोसा खाते थे, खाया पिया, केमिस्ट्री वाले सर की क्लास में गए, एल्केन वेल्केन पढ़ा रहे थे नॉमेनक्लेचर, उन्होंने पढ़ाया, अपनी को समझ में नहीं आया। मैंने क्लास के बाहर निकलने के बाद अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। बोला यार तूने बीच में से ज्वाइन किया है, 4-5 दिन की तेरी क्लास छूट गई, इससे दिक्कत आ रही है, अभी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक, 10:15 पे कोचिंग छूटी, मैंने कहा आप क्या करना है? बोले घर चलेंगे। तो मैंने स्कूल नहीं जाएंगे 12 बजे? नहीं, 12 से 5 का स्कूल था, स्कूल वालों ने तो कह दिया है कि फीस टाइम पे आना चाहिए, बाकी तुम आओ नहीं आओ। तो मैं ठीक है, तो यार अपन एक हफ्ते में 2 ही दिन स्कूल जाया करेंगे। मैं ठीक है, तो मैंने कहा शाम का क्या है सीन? कि शाम को मैं मैथ्स जाऊंगा, तुम बायो जाना। मैं 4 बजे मैथ्स वाले सर के घर पे पहुंच गया। मैथ्स वाले सर ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, ट्रिग्नोमेट्री वैसे ही लल्लू होती, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा दिया है कॉस थीटा निकाल, बड़ा मजा आया। रात को मेरे पिताजी ऑफिस से आए, बोले कि यार कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? मैंने बहुत बढ़िया, बोले समझ में आया सब कुछ? मैंने हाँ, फिजिक्स वाले सर बहुत अच्छे हैं, मैथ्स वाले सर बहुत अच्छे हैं, केमिस्ट्री वाले खराब हैं। बोले क्यों खराब है? मैंने तो समझ ही नहीं आता, बताने क्या पढ़ाते हैं, डांटा पिताजी, तुम गधे हो तो क्या करें, सर तो अच्छे ही होते हैं, तुमको समझ में नहीं आया, इसने बोले सर बेकार है। मैंने कहा मेरे को तो ऐसे ही लगता है। बात खत्म हुई, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन में कोचिंग गया। 7वें दिन फिजिक्स वाले सर क्लास में बोले सुबह 6:30 बजे, रोहित आज क्लास के बाद मिल के जाना। क्लास खत्म हुई, मैं उनके पास मिलने गया, बोले बेटा कैसा लग रहा है? मैं सर बहुत अच्छा, समझ में आता है ना? सर बहुत अच्छा। बोले कल पैसे ले आना। सर कितने? बोले 2,500 रुपये, एक सब्जेक्ट की फीस 2,500। उस समय जो आज आप देख रहे हो क्या हो रही है, आईटी की फीस बता रहा हूँ, आईटी और पीटी सब एक ही हुआ करते थे, ऐसे स्पेसिफाइड टीचर नहीं होते थे। केमिस्ट्री वाले सर ने भी कहा फीस ले आना, मैथ्स वाले ने भी फीस ले आना। रात को मेरे पिताजी घर पे आए, मैंने कहा 7,500 रुपये दे दो, और कल से मिल जाना। मैं क्यों मत जाना? कि बेटा इतने पैसे कहाँ से आएंगे?
मैंने मुझे क्या पता कहाँ जाएंगे भाई, सब बच्चे जा रहे हैं मैं भी जाऊंगा। तो मेरी माता जी क्या है, स्कूल में टीचर थी, तो उन्होंने कहा कि तू जा, तू एक काम करना, सर को बोलना कि सर इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, अगर हो सके तो इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। तो मैं सर के पास पहुंचा, सर से मैंने कहा, सर बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, इंस्टॉलमेंट में दे देना। पहले के लोग लालची नहीं होते थे। मैथ्स वाले सर को बोला शाम को कि सर पैसे नहीं है। मैथ्स वाले सर बोले तेरा सिलेक्शन हो जाए तब देना, साल भर मत देना, तेरा सिलेक्शन हो जाए तो देना और नहीं हो तो मत देना। मैंने कहा यार क्या आदमी, मन में सोचा ऐसे लोग मिल जाए तो तीनों की किस्त खैर उनकी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई। वैसे तो बहुत अच्छे सर थे, आज भी हैं। तो कुल मिला के गाड़ी चल निकली, 8 दिन 10 दिन 20 दिन 22 दिन 28 दिन, 1 महीना हुआ, 1 महीने बाद पहला टेस्ट। पहले टेस्ट में मैथमेटिक्स में 100 में से 92 मार्क्स आए, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। सर ने क्लास में भयंकर तारीफ की, अरे ये लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ने में शानदार है, ऐसे ही पढ़ेगा तो MPPET टॉप करेगा। मैं बड़ा खुश हुआ, 20 लोगों का बैच था, 22 23 लड़के थे, 7-8 लड़कियां थी, और मैं फील ही नहीं साथ में। टॉपर अपने को मिल गया है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार पढ़ाई सही चल रही है, अब केमिस्ट्री की बारी है। केमिस्ट्री में 100 में से 32। उन्होंने टॉपर की तो तारीफ की, लेकिन लोअर वाले के तो बारे में कुछ बोलेंगे तो अपन बच गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था केमिस्ट्री में सर क्या पढ़ाते थे। 2 महीने बाद सर बोले एक दिन क्लास में, बेटा कल से अपन एक नया काम करने जा रहे हैं। तो मेरे मन में है कल से समझ में आएगा। तो बोले बेटा जब अपन ने कोर्स शुरू किया था तो पहला चैप्टर GOC था, तो अपन कल से एक नया काम ये करेंगे कि रोज आप लोग घर से रिवीजन करके आओगे और मैं सबसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे ही सर ने ये बोला मेरे पैरों के मैंने क्लास के बाद अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा कल से रोज बेइज्जती होगी, फिर रोज पूछेंगे मुझे नहीं आएगा। तो वो दोस्त मेरा बोला कि जब सर पूछे तो तुम मेरे रजिस्टर में देखना, मैं आंसर लिख दूंगा, उसको देख के बोल दे, क्योंकि तो सब 30 ही बच्चे थे पास पास बैठते थे। ठीक, अगले दिन सर ने पूछा, उसने कुछ नहीं लिखा। मैंने सर को बोला कि सर मेरे को नहीं आता, तो सर बोले प्रयास करो बेटा ना सर। एक दिन दो दिन तीन दिन उन्होंने बोला, चौथे दिन मैं 4 दिन तक यही बोलता रहा, नहीं आता नहीं आता नहीं आता। 5वें दिन भयंकर झल्लाए, गधे हो तुम सर, आपके मन में जो आए वो बोल लो। 15 मिनट तक वो चिल्लाते रहे, 15 मिनट तक भयंकर चिल्लाए। क्लास खत्म हुई, बाद में मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार बहुत बेइज्जती हुई, देख लूंगा इनको। दिन भर ऐसे ही खराब दिन निकला। सुबह हुई, फिजिक्स की क्लास अटेंड की, केमिस्ट्री की तरफ चल दी, रास्ते में चाय समोसे की दुकान पर रुके, एज यूजुअल नाश्ता किया। अब वहां से सारे चले और मैं बैठा, तो मुझसे बोले चल, मैं नहीं जा रहा। चल, मैंने कहा वो फिर बेइज्जती करेगी। तो बोले क्या करना है, मैंने मैं नहीं जा रहा तुम जाओ, मैं बैठा रहा। चले गए सर, मैं आराम से अखबार पढ़ के, मैंने कहा छोड़ दो एक चाय और ला दे, चाय समोसा एक और खाया आराम से, ऐसे करके 15-20 मिनट निकल गए। 20 मिनट बाद मैंने चलते देखेंगे यार जो हुआ निपटेंगे। 20 मिनट के बाद सर सबसे पूछ चुके थे और सर नया लिखा रहे थे। मैं जब अंदर घुसा तो सर ने मेरी तरफ देखा
मैंने भी देखा। उसके बाद मैं अपनी जगह पर बैठ के लिखना शुरू कर दिया, सर कुछ नहीं बोले। तो मेरे मन में आया सॉल्यूशन मिल गया, अब से रोज लेट कर। आप विश्वास नहीं मानोगे बेटा, मैं पूरे साल 25 मिनट लेट गया और सर ने मुझे कभी नहीं टोका। उन्होंने मुझे सिखाया टोकना नहीं है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है उसको टोक के तुम पढ़ा नहीं सकते। साल के लास्ट में जब सिलेबस खत्म हुआ, हम चार दोस्तों का ग्रुप था, चारों दोस्त रात को एक साथ 9:30 बजे पढ़ने बैठते थे, सुबह 5:30 बजे तक पढ़ते थे। बीच में 2 बजे जब नींद आती थी तो हम उठ के स्टेशन जाया करते थे चाय पीने। घर से स्टेशन 2.5 किलोमीटर दूर था, साइकिलों में 2 साइकिल पर बैठते थे चार लोग, जाते समय तू चलाएगा आते समय मैं चलाऊंगा, ऐसे करके 2.5 किलोमीटर जाने आने में आधा घंटा वेस्ट हम करते थे जिससे हमारी नींद खुल जाए। तो मेरे दोस्त मुझसे कहते थे ये केमिस्ट्री तुझे निपटाएगी, और मैं उनसे कहता था फिजिक्स और मैथ्स मेरी बड़ी अच्छी है, उनके दम पे मैं निकाल के ले जाऊंगा एग्जाम। साल के लास्ट में सब उल्टा हुआ, केमिस्ट्री का पेपर तो आया आसान, फिजिक्स और मैथ्स का आया टफ। जिस फिजिक्स मैथ्स के दम पे पेपर देने में गया था, पेपर तो मैंने किया लेकिन बहुत एक्सट्रीमली शानदार नहीं हुआ, जिसकी वजह से सिलेक्शन भी हुआ पर सिलेक्शन पीछे की तरफ हुआ। अच्छे कॉलेजेस में कुछ नहीं मिल रहा था, अच्छी ब्रांचों में कुछ नहीं मिल रहा था। ब्रांचेस कैसे मिल रही थी, लेदर, माइनिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, P&I, इंस्ट्रूमेंटेशन, जिससे कुछ नहीं होता। तो काउंसलिंग के समय मैं और मेरे फादर भोपाल गए थे, पिताजी बोले क्या करें बेटा कौन सी ब्रांच ले लें। तो मैंने कहा कुछ नहीं लेना, घर चलो। तो बोले घर क्यों चलें, कुछ तो ले लें। मैंने कहा इसमें तो लेके भी ना लेना बराबर ही है, इससे कुछ नहीं होगा। बोले चलो घर, तो चले आए वापस। जब घर वापस आए तो वो बोले कि ये तो क्लास 12th के साथ तुमने तैयारी की थी, तुम्हें काम करो 12th के बाद एक साल ड्रॉप ले। तो मैंने कहा कि मैं इसी चीज को दोबारा नहीं पढ़ पाऊंगा, जो पहले साल में केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आई दूसरे में भी नहीं आएगी। मैंने कहा मैं ड्रॉप तो नहीं लूंगा। तो 2 दिन तक हमारे घर में मंथन चला कि क्या करना चाहिए। 2 दिन बाद इस रिजल्ट पे पहुंचे, मैंने घर पे कहा, मैंने कहा मैं तो एक काम करता हूँ BSc कर लेता हूँ और MSc करूंगा। तो बोले BSc करके क्या होगा। मैंने कहा एक काम करेंगे BSc करके MSc करके साइंटिस्ट बनूंगा, मेरा भाई साइंटिस्ट है। तो मैंने कहा भाई की तरीके से मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा, उसने भी MSc फिजिक्स किया है। तो वो अभी क्या है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट में ज्वाइंट डायरेक्टर है। तो पिताजी बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा है करो। तो मैं अगले दिन BSc का फॉर्म ले आया। फॉर्म आता था 10 रुपए का, फॉर्म तो ले आया। फॉर्म में था 2 कॉलम्स, एक तरफ लिखा था फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, दूसरी तरफ था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। पिताजी बोले टिक करो, कौन सा ग्रुप लोगे। मैंने कहा दोनों तरफ केमिस्ट्री है। बोले यार ये क्या नाटक है। मैंने नाटक मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे को भी समझ ही नहीं आता। जब कभी मैंने समझने की कोशिश की सर कहते हैं एक्सेप्शन है, क्या समझूं। बोले यार ये तो पागल बना हो गया। मैंने कहा जो भी हो गया अब ये तो बोले टिक तो करो यार, कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कुछ तो भरोगे। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पर टिक कर दिया, कॉलेज जाना शुरू कर दिया। पहली क्लास मैथ्स की होती, 10 बजे कॉलेज लगता था, 10 से 10:50 तक पहली क्लास मैथ्स, बहुत बढ़िया। 10 मिनट का ब्रेक, 11 से 11:50 फिजिक्स की, बहुत बढ़िया। 12 से 12:50 केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री सर कॉलेजेस में क्या होता है कि सबसे पहले आपके टीचर अटेंडेंस लेता है, रोल नंबर बोलता, और जैसे ही रोल नंबर बोलता है यस सर, और खिड़की से कूद जाते नीचे। उसको भी पता है कि हम कूद रहे हैं लेकिन वो अटेंडेंस मांग कर देता था, क्योंकि वो क्या है रोकते नहीं है, ऐसे नहीं कहते कहाँ जा रहा है,
वो उन्होंने आपके लिए ये सिखाया कि कोई जा रहा हो तो उसको रोको मत। हम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। उनको पता था कि सारे जब मैं अटेंडेंस बोलता हूँ तो 125 बच्चों की अटेंडेंस बोलता हूँ, पर जब मैं 125 के एस्टर बोलते हैं, पर जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो 50 ही रह जाते हैं, तो ये 75 भाग जाते हैं रोज। पर वो किसी को नहीं रोकते थे कि सारे ये कहाँ चले जाते हैं रोज। ठीक है साहब, अब एक दिन, दो दिन, चार दिन, छह दिन करते करते 15 दिन निकले। 15 दिन बाद किस्मत खुली। 15 दिन बाद कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा, एमपी गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स दैट इज बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज इक्विवेलेंट टू बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स। दो स्टूडेंट्स हु विश टू ज्वाइन दिस कोर्स द एसोसिएटेड सब्जेक्ट विल बी पहला फिजिक्स, दूसरा मैथ्स, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, मुझे पता था इसमें केमिस्ट्री नहीं। सबसे पहला फॉर्म मैंने खरीदा, सबसे पहले फॉर्म भर के दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स में 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ मेरिट के बेहाब पे, तो हो भी गया। 5 साल, 3 साल बीएससी, 2 साल एमएससी। 5 साल मैंने पूरे मध्य प्रदेश में हंगामा मचाया था। 5 साल 93 से 98। 3 साल तक बीएससी में हर साल रैंक लिस्ट में एक ही नाम ऊपर टॉपर रहता था, किसी को देखने की जरूरत ही नहीं। 97-98 दो साल एमएससी में कोई आगे नहीं आता था, केवल एक ही नाम आगे चलता। 5 साल मैंने कॉलेज में टॉप किया। जिस दिन कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई, मुझे याद है लगभग 26 जून की बात है, जब सर ने मुझसे कहा, प्रैक्टिकल लिख रहा था, सर ने कहा कि रोहित एक काम करो, आज एमएससी खत्म हो रही है, कल से रिसर्च ज्वाइन कर लो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं तो क्या नौकरी करना चाहता हूँ, पढ़ना नहीं चाहता। कि नहीं नहीं तुम्हारा करियर रिसर्च में है, अगर तुम 2 या 3 साल रिसर्च कर लोगे यानी पीएचडी कर लोगे तो तुम सीधे बाहर जाओगे इंडिया से, और यहाँ तुम्हारी कदर नहीं होगी। पर मेरे तो दिमाग में पैसा लग चुका था, मैंने कहा सर मैं तो नौकरी करूंगा, पढ़ लिया बहुत जितना पढ़ना था। तो मैंने अगले दिन से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, सब पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के, क्योंकि पढ़ लिया था यार 5-6 साल पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते। उस 98 से लेके आज तक मैं लगातार पढ़ाते ही रहा, और मैंने लाइफ में कोई जॉब नहीं की, मुझे पढ़ाने के अलावा कुछ आता भी नहीं। पहली तो इस कहानी में एक इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि जो काम मैं कर चुका वो आप कर रहे हो। मेरे 3 सब्जेक्ट्स में से एक से मेरी दोस्ती कभी नहीं हुई। इनफैक्ट यहाँ पढ़ने वाले सारे बच्चों के 2 सब्जेक्ट ही अच्छे होते हैं, तीसरे पर तो वो ध्यान देते ही नहीं, कारण वो भी कुछ भी हो। ज्यादातर बच्चों को यहाँ मैथ्स अच्छा लगता है, मेरे को भी लगता था, क्योंकि वो डायरेक्टली ऑप्शन से चेक होता है, n=1 रकम से निकाल, हमने किया था। ज्यादातर बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है, होती भी है। केमिस्ट्री में फिजिकल वाला पार्ट आसान लगता है क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच पे जाता है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में दिक्कत आती है, पर आज से 25 दिन बचे हैं बेटा, और 25 दिन में जो बच्चा इस पूरे पार्ट को पढ़ के चला गया ढंग से, उसके परसेंटाइल अप टू द मार्क आ जाएंगे। और गलती से किसी ने मस्ती में रह गया या ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया तो मेरी तरीके से खत्म हो जाएगा पार्ट। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ऐसा हो गया, पर सोचो अगर उस समय बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट नहीं हुआ होता तो मैं तो शायद बीएससी के 3 साल भी रोते गिरते पास होता। तो अब आगे आने वाले 25 दिन में 3 सब्जेक्ट से बराबर दोस्ती कर लेना। अगर आप 1 सब्जेक्ट में कम समय देते हो, क्योंकि वहां जो रैंक लिस्ट लगी है वो यही बताती है,
अगर बाहर की रैंक पे उसके मार्क्स देखो आप, तो उसमें यही दिख रहा है कि फर्स्ट रैंक वाले की भी एक सब्जेक्ट में तो मार्क्स अच्छे हैं, दूसरे में बहुत कम है। वो बात अलग है कि एग्रीगेट में उसके आसपास दूसरा नहीं है। तो जब होता क्या है कि सारे कमजोर दौड़ रहे होते हैं तो वो आपस में कमजोर से कंपेयर करते हैं, लेकिन इस एग्जाम में सारे कमजोर नहीं दौड़ते, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बच्चे हैं वो सब कम्पीट कर रहे हैं। हम केवल जेई मेंस में जो यहाँ पढ़ रहे हैं हम केवल 2000 ही हैं, और जेई मेंस में एनरोल करने वालों की संख्या 10 लाख है, तो बाकी ये कितना है 9,98,000, वो भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, वो सब कम्पीट कर रहे हैं। हमारे समय में 30 बच्चों का बैच होता था तो कमी बच्चे अपीयर होते थे, 10 लाख उस समय नहीं होते थे, उस समय पेपर देने वालों की संख्या भी शायद 30-35,000 ही होती ऑल ओवर इंडिया में, तो 30 बच्चों का बैच होता था, फीस भी 2,500 ही थी। आज सब बढ़ गया, 30 की जगह 200 का बैच हो गया, 2,500 की जगह 1,00,000 रुपए फीस हो गई, सब पढ़ गया, तो रेशो वही है, करीब करीब रेशो निकालोगे तो वही है, पढ़ने का तरीका भी वही है। तो मैं ये इसलिए, मेरे को इसमें कहानी में मुझे कोई अपनी तारीफ नहीं करनी, मुझे पता है कि मैं क्या हूं, मैं कोई ये नहीं बता रहा कि मैं टॉपर, तू टॉपर, तू बन सकता है, मैं बन सकता हूं, मैं वहां में ही हूं, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि जिसको सिलेक्शन चाहिए वो अगले 25 दिन तीनों सब्जेक्ट्स पे बराबर लेबर कर लो, क्योंकि अब जो निकल गया टाइम वो तो निकल गया। अब ये मत कहना कि सर मेरे 5 महीने तो निकल गए, मैंने उस समय तो ये चीजें ध्यान से पढ़ी नहीं, क्योंकि इनकेस 1% मान लेते हैं अपना जनवरी वाला पेपर बिगड़ा तो अप्रैल वाला चांस भी है। आज अगर अपन पढ़ेंगे, मान लो 1% पेपर में नंबर अपने हिसाब से नहीं आए, जो पढ़ेंगे उसके व्याप पे अप्रैल में भी पेपर देंगे ही नहीं, तो अपन तो ये माने कि अपने पास 5 महीने तो है दूसरे पेपर के लिए। तो अभी भी अगर ढंग से चीजें तैयार की जाएं तो इजी गोइंग वे में सिलेक्शन हो सकता है। ये नेगेटिव अप्रोच अपने दिमाग से निकाल देना कि कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, इंजीनियरिंग में एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीएम, बस ये तीन ही अच्छे होते हैं। आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीएम, इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करोगे तो प्राइवेट में बेटा गिने चुने ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है सारे खराब है, जो अच्छे हैं वो लिमिटेड है, और ज्यादातर वो कॉलेज आते हैं साउथ में, नॉर्थ में नहीं आते। साउथ में बेंगलोर में एक कॉलेज है रमैया कॉलेज, गलती से हो जाए सिलेक्शन तो रमैया का प्लेसमेंट है स्टार्टिंग 6-10 लाख के बीच, लेकिन रमैया में एडमिशन इतनी आसानी से मिलता नहीं। कॉमेट सिलेक्शन इनसे होता तो है, मुश्किल से होता है, पर होता आप ही लोगों का है, पढ़ने वालों का, तो ऑप्शन तो है। ये जो बाहर जो भीड़ आती है ना कॉलेजेस की, यहाँ पर ये वो कॉलेजेस हैं जिनमें बच्चा नहीं जा रहा, तो ये अपने को बुलाने आते हैं। रमैया ऐसे कैंप लगा के नहीं आता। लास्ट ईयर मैंने रमैया में बात की थी कि मेरा एक परिचित है, उसको डोनेशन के बिहाफ पे डोनेशन सीट में ले लो, बोले ले लेंगे सर। मैंने कहा सर बताओ कितने पैसे लोगे, बोले 18 लाख रुपए दे देना। इसी की जगह ये जो बाहर कॉलेज हैं इनमें बात करो तो बोले गाड़ी लेने आ जाएगी आपको, बताओ कहां से चलेंगे। इनकी स्थिति खराब है, उनकी स्थिति ऐसी है कि बच्चा तरसता है वो कॉलेज में जाने के लिए, प्राइवेट की बात हो रही है। लास्ट ईयर एचआरडी मिनिस्ट्री ने बीआईटी वेल्लोर को फर्स्ट रैंक पर डाला था, एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो रैंक डाली थी उसमें बीआईटी वेल्लोर फर्स्ट रैंक पर था, प्राइवेट है, इनमें आसानी से घुसना पॉसिबल नहीं है, इनके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी जेई मेन से लेते हैं, वीआईटी जेई मेंस के ब्याह पे ले लेगा आपको, पर नंबर तो बेटा लानी पड़ेगी।
आप में से जो आर्मी में जिनके पेरेंट्स हो, दादाजी वगैरह कोई भी हो खानदान में, आर्मी का एक इंस्टीट्यूट है AIT पुणे, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, वहां 4 साल अगर आप बीटेक कर लो तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट, और उसके लिए 4 साल बीटेक AIT से ही होना चाहिए, और उसमें एडमिशन केवल उनको मिलता है जिनका खानदान में कोई आर्मी में हो, सबको नहीं मिलता, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे। हालांकि आप में से कोई आर्मी में जाना चाहे तो तरीका सिंपल है कि पहले बीटेक करें, फिर वो आर्मी की जब वैकेंसी निकलेगी तो अप्लाई करेंगे, और उनको वहां से डायरेक्ट ले जाती है क्योंकि उन्हीं के कॉलेज है। तो ऑप्शंस तो लाइफ में बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है खत्म है लाइफ, मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ खत्म होगी सर लाइफ, अब तो कुछ बचे ही नहीं, ऑप्शंस हैं, पर वो ऑप्शंस ऐसे हैं कि उनमें मेहनत और करनी पड़ जाएगी। ये सबसे लल्लू ऑप्शन है JEE मेंस, इसमें तो परसेंटाइल लाना ही लाना पड़ेगा, आप जनवरी में लाओ नहीं ला सकते हो, अप्रैल में लाओ, दोनों में नहीं ला सकते तो फिर साइड स्ट्रीम चेंज कर लो, जैसे मैंने कर दिया, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 12th के बाद आपने अगर इंजीनियरिंग करने की सोची है तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए JEE मेंस ही है, और अगर आप चाहते हो कि सर मेरे को JEE मेंस से NIT नहीं मिल रहा, IIT नहीं मिल रहा, अच्छा प्राइवेट भी नहीं मिल रहा, तो जाओ फिर 3 साल BSc कर लो, दिल्ली कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, DU से BSc करने की सोचो तो DU की कट ऑफ आती है 92%, 12th में जिसके 92-93 है वो लोएस्ट आता है, बल्कि कई बार तो 97 पे आ रही है। एक दिल्ली में कॉलेज है श्रीराम कॉलेज, उसकी क्लोजिंग है 99, 100 से शुरू होता है 99 पे बंद हो जाता है, अब आप सोचो 100 से 99 के बीच में कितने बच्चे हैं जो बंद हो जाता है, लेकिन अगर कोई श्रीराम कॉलेज से कर ले ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर चला जाए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो इंजीनियर्स का बाप बन जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लंदन। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, अगर कोई ग्रेजुएशन करने के बाद फ्रेंच और जर्मन सीख ले लैंग्वेज, तो वो किसी भी एम्बेसी में अच्छी से अच्छी जॉब कर सकता है, बशर्ते उसकी इंग्लिश बहुत शानदार हो प्लस फ्रेंच और जर्मन शानदार, और खासकर बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर पढ़ने का एक ही फायदा है कि आप बाहर जाना मुश्किल लगता है, अपन लोगों को इंडियंस को लगता है यार बाहर बहुत पैसा लगता होगा, सर लगता तो है लेकिन उतनी जल्दी रिकवर भी होता है। सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज में इंडियंस का एडमिशन आसानी से हो जाता है, लेकिन सिंगापुर की फीस बहुत है, 5 लाख से 7 लाख रुपए पर ईयर, तो 4 साल की 28 से 30 लाख, लेकिन पहले जब पास आउट होके बच्चा निकलता है, मेरा कजन निकला है तो वहीं सिंगापुर में उसको जॉब मिली डच बैंक, स्टार्टिंग सैलरी है 2 लाख रुपए महीना, हालांकि उसने सिंगापुर में 2 साल पर जॉब की, जॉब करने के बाद ICICI बैंक बॉम्बे में शिफ्ट हो गया, वहां उसको 2.5 लाख रुपए देता है, उसको इंडिया आना था वापस, उसको 4 साल अपने बीटेक सिंगापुर से कराया। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं लाइफ में, लेकिन ऑप्शंस उन लोगों के लिए या तो दिमाग हो, बुद्धि हो, पैसा हो, अब आप अगर तीनों से पकड़ लो तो फिर कोई ऑप्शन नहीं, तो अपने वो सब कुछ करना बेटा अपने आप ही। अच्छा अपन लोग जो JEE मेंस में होते हैं ना, ये बेचारे सारे एवरेज फैमिली के होते हैं, शानदार वाले सब IIT में होते हैं, IIT में क्या है किसी के पेरेंट्स से बात करोगे ना आप, देखो IIT में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना उनके सामने हॉस्टल होगा जिसमें रह रहे होंगे, तो हॉस्टल की फीस जा रही है 20-22 हजार, अपने JEE मेंस वाले ये यहाँ से दूर रहना पसंद करते हैं, बोले सर वहां फीस कम है, 5 हजार में कमरा मिल जाता है, रियली में वास्तविकता में पैसे कैसे अर्न होता है वहां पेरेंट्स एक बार कभी पूछ रहे,
हम लोग देखते हैं ना पैसा कितनी मुश्किल से अर्न होता है, सुबह से रात तक लिटरली अपनी हड्डियां पूरी दर्द होने लगती हैं सुबह से रात तक सब तरफ से, और उसके बाद पूरे 30 दिन काम करने के बाद 31वें दिन सैलरी मिलती है। तो मेहनत तो है, हम भी कर रहे हैं आप भी कर रहे हो, पर आप उसको फ्रूटफुल डायरेक्शन में करो। और बेस्ट तरीका मैंने बता दिया, इससे बेटर मुझे समझाना नहीं आता। मुझे आखिरी क्लास में ना कोई गाना आता ना जोक आता, मैं सारे बच्चों को जो थोड़े से ठीक होते हैं, मैंने इनको नहीं बोला ये, आप चाहो तो इनसे पूछ लेना, मैंने इनको ये कहानी नहीं सुनाई, क्योंकि इनको कहानी सुनाने से कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, इनको कुछ बोलो इनकी समझ में आता नहीं है, ये मस्त रहते हैं। तो मस्त वालों को मैं भी मस्ती रखता हूँ, उनको टेंशन मत दो, समझाना उसको चाहिए जहाँ थोड़े से ठीक हों बच्चे। मैंने आपको एक दिन और भी कहा था, अगर आपको याद, मैंने कहा था कि मेरे चार बैचों में सबसे बढ़िया बैच यही चलता है। मैंने सुबह हिंदी मीडियम में भी कुछ नहीं बोला, सुबह इंग्लिश मीडियम में थोड़ा बहुत बताया, क्योंकि रिजल्ट वाइज टॉप 10 में ज्यादा बच्चे वहां से। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एनकैश करने की कोशिश करो। खुदा ना खास्ता 1% अगर मान लो पेपर में मार्क्स कम आते हैं, तो अप्रैल वाला ऑप्शन आपके पास है। ये नहीं कि जनवरी में मेरा कुछ नहीं हो रहा तो अब सर मैं फरवरी मार्च अप्रैल में क्या करूंगा पढ़ के। आपका जनवरी में बाई चांस पेपर बिगड़ता है, आप आराम से दोबारा यहाँ पे पढ़ाई शुरू करो, उसकी कोई फीस नहीं लगती, नए सिरे से शुरू करो। 3 महीने मेहनत से दम से पढ़ाई करोगे तो 19% वाला पिछले साल 99% पे गया था। पर ये मान के चलना कि 19 वाला 99 पे तभी गया था जब उसने घर में 13 से 14 घंटे मेहनत की, और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। इस एग्जाम में मेहनत ही करेगी काम, और कोई ऑप्शन नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। आप मुझसे कहो सर एंड बराबर एक रख के सिलेक्शन करा दो, 4 ऑप्शन में टिक करके भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसको देने वालों की संख्या बहुत है। अच्छा अभी क्या है, इस साल क्वेश्चंस कम कर दिए, जब जब क्वेश्चंस कम होते हैं तब तब स्थिति बिगड़ती है। 24 चैप्टर 25 क्वेश्चन, किसमें से क्या आएगा किसी को नहीं पता। मान लो मैं कहता हूं ऑप्टिक्स में से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो इसका मतलब 3 चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा। और वो कौन से 3 है, सपोज आपने वही 3 पढ़े और ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी है, तो लंका लुढ़ गई। तो बहुत भारी काम होता है बेटा अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो। इसके घर पे वाकई हंसी मजाक का इशू नहीं है, मतलब आप में से कुछ बच्चे बहुत सीरियस भी हैं तो कुछ मस्त भी रहते हैं। सीरियस वाले सब देर सवेर कहीं ना कहीं हो जाते हैं, उनकी किस्मत भी जोरदार होती है। और कहते हैं ना कि जो मेहनत करता रहता है उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता है, जो कोई एफर्ट्स ही नहीं करता उसको कहीं कुछ नहीं होता। तब मैंने अपने समय में बहुत मेहनत की है लिटरली, तब जाके आज ऐसी स्थिति में हूँ, बहुत कंफर्टेबल जोन में हूँ मैं। और शुरुआत में मैंने बहुत मेहनत की है कोटा में, जिस मकान में रहता था उस मकान के मकान मालिक कहते थे कि आप स्टूडेंट हो कि आप सर हो, तो मैं कहता था कि मैं तो सर ही हूँ, क्या आप दिन भर ही पढ़ते रहते हो, 9 बजे से 6 बजे तक इंस्टीट्यूट में रहते हो, 6 बजे के आने के बाद आप किसी से बात ही नहीं करते हम लोगों से, आके सीधे अपना रूम बंद करके टेप चला के गाने सुनते रहते हो और धड़ाधड़ धड़ाधड़ पढ़ाई करते रहते हो, रात को 11 बजे तक पढ़ते रहते हो, कहीं बाहर भी नहीं जाते घूमने। तो मैं उनको बोलता था कि मैं कोटा में आया ही हूँ अभी, तो मैं पढ़ाना सीख रहा हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले 3 साल में मैंने ये सारी किताबें सॉल्व की थी, HC वर्मा, किरडो, किरटो, इनके बिना कोटा में पढ़ा ही नहीं सकते थे। पहले का बच्चा हमेशा HC वर्मा ही सॉल्व कराता था, पहले इंस्टीट्यूट में कोई ऐसे शीटें नहीं चलती थी, ये हमने बनाई है 2003 में, सारे इंस्टीट्यूट में एक ही किताब चलती थी, फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा। अब धीरे धीरे इंस्टीट्यूट्स ने अपना मटेरियल प्रिपेयर कर दिया, तो पहले तो हमको करनी पड़ती थी तब क्लास में जाते थे, क्योंकि मान लो बच्चे ने HC वर्मा क्वेश्चन पूछ लिया, हमें आते ही नहीं, तो बच्चा कहता सर को तो आते ही नहीं है, सर क्या बताएंगे, दूसरे सर को भेजो। पहले हमको 6 महीने शुरू के कोटा में ये बोला गया कि इस कमरे में बंद हो जाओ, क्वेश्चन कर डालो, पूरी HC वर्मा कर डालो।
डायरेक्टर ने चेक किए नोट्स, तीन बार बोर्ड पे पढ़वा के देखा, पढ़ा लोगे, पढ़ा के दिखाया, बोले राइटिंग बहुत जोरदार है। राइटिंग जोरदार इसलिए थी कि जिन्होंने हमें एमएससी में पढ़ाया उनकी राइटिंग जोरदार, डॉक्टर नीरज जैन। तो होता क्या था, 20 लोग थे, 20 में उस समय 7 तो पहले सेमेस्टर में फेल हो गए थे, 13 ही बचे थे, 7 को यूनिवर्सिटी ने बाहर फेंक दिया।